इटावा के मुख्य बाजार में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। आग से दो दुकानें बाल बाल बच गईं। आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के राजगंज चौराहे के पास का बताया जा रहा है। इटावा से खबर हर पल के लिए अभिनंदन जैन की खबर। अगर ये फायर ब्रिगेड 15 मिनट लेट हो जाए तो दुकान चली जाए पूरी। अच्छा बगल वाली। हाँ बगल वाली कपड़े की दुकान है भाई का। तो है कपड़ा क्या पूरा लाल हो गया। तार जलता है तार एक ही है। ठीक हो गई भाई सेवा वाली। करीबन 9 बजे नगरपालिका चौराहे पर लगे ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिसमें आसपास दुकानें भी हैं। काफ़ी काफ़ी तेज़ आग थी, धुआं उठा। तो 9 बजे की घटना थी। दुकानदारों को शहर व्यापार मंडल के अध्यक्ष होने के नाते मैंने सूचित किया। पुलिस प्रशासन मौजूद हो गया, फायर ब्रिगेड आ गई, तो दुकानों को नुकसान होने से बचा लिया। कुछ दुकानों में हल्का फुल्का नुकसान हुआ है, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लाइट चली गई है, बाज़ार में अंधेरा है और फायर ब्रिगेड और प्रशासन ने पूरा सहयोग किया है।